अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तो एक मिठाई की दुकान तक हिंजुलता जितना पहले एक दफा तोशे के बारे तुम दसाया मी ते ई बंदे ने कमेंट्स भी किए कि मिठाई इतनी खालिस किवें बढ़दन और किवें इतनी इन्हें हिफाजत करदन ताकि धूड़ कने भी बचा रहे वजन मक्खियां कने मकोड़े कने भी बचा रहे वजन। इकबाल की मिठाई की दुकान तक गए जितना सारे मिठाइया खालिस बन दे। यार असल गल ये कि मैं अगर कोई आखा कि मिठाई इतों किनो तो अच्छा मशवरा तो मैं खुद भी देव चाहता। मेरी तो अपनी दुकान भी नहीं, मतलब एक गरीब आदमी एक सीधा साधा आदमी है। मैं असल यह आदा कि तुम खालिस मिठाई गिनो चाहे कहीं भी जात गिनो तो बनता हुआ देखो किमें बनते पे किमें नहीं और नुकती देखो कितनी साफ सुथरी है। नुकती जबरदस्त है, मैं खुद कई दफ़ा गिदी है इन्हें कहने और असं बीह तो नुकती गिनो तो मक्खियाँ मच्छर मकौड़े तो खास तौर पर होंगे हूँ टांगरी है घोड़ा ली टांगरी है घोड़ी के बच्चे इस्तेमाल कर दें। ये तोशे वैसे मैं पहले भी थोड़ी खाया हर चीज़ खालिस बन दें। देखो कपड़ा उत्ते सटन दिन ढांप रख दें मैं को लहा कपड़ा बिरे दें देते हैं मिठाइया ये मिठाई लाती है ये मैं खुद ये 300 रुपये की मिठाई मैं खुद की थी इन्हें ये हूँ देखो मिठाइया कि मैं रसगुल्ले भी देखो इतना लाते हैं देखो शीशे पैक थे हुए तो गुलाब जामुन भी हैं। सर ये रसगुल्ले किमें किलो लाई पे हो? सर जी 320 रुपये किलो। ये गुलाब जामुन का रेट इको मुख्तलिफ होंगे? इको रेट रसगुल्ले गुलाब जामुन इको रेट होंगे। इको रेट ये नुक्ती का क्या रेट है? 140 140 रुपये। बोला टांगरी 150। बोला तोशे 150। ठीक है माशाल्लाह रेट ठीक है। सब सफाई का ख्याल मेरे ठे ना मैं हैरान थी ना तेरे तो कपड़ा उधर सट रख दो मैं हूँ तुम जिन्हें आखिया हटाए हुए कपड़ा बाकी अक्सर जिंदे सब इन्हें उतना कपड़ा शपड़ा निस्टें मक्खियाँ हो जाने वही में बिल्कुल खराबी होनी है ना। सफाई का ख्याल है बकायदा सारे को इंशाल्लाह सफाई वाले भी हैं उन्हें चेक कर गए और पास कर गए सफाई। अच्छा पंजाब फूड अथॉरिटी वाले हैं तुम्हारी मतलब उन्होंने चेक की तो उन्होंने सफाई ठीक है माशाल्लाह ना ठीक है। मैं खुद भी चेक किए मटर ओवन या कोई भी मिठाई है तुरी साफ सुथरी है कोई उन्होंने मतलब ना मक्खियाँ आई हो ना धूड़ धूड़ कहीं भी मतलब कोशिश करो कि अंदर रख दो शीशे रख दो या मतलब कपड़ा साड़ी तो उतें महफूज रह पी है ठीक है माशाल्लाह। लोगों को क्या अक्सो मतलब इंजा मिठाइया गिनना चाहिए या आम तौर पर जितना मिल वन बल्कि असल तौर चीज साफ सुथरी गिनी चाहिए ठीक है साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मेहनत ज्यादा लगती है सही था मेहनत बहुत ज्यादा लगती है सब महफूज रखन वास्ते भी बड़ा महफूज बड़ी हिफाजत करने मक्खी दी बड़ी हिफाजत हर चीज दी मच्छर दी कीड़े दी हर चीज दी हिफाजत करनी पड़ी। मैं कुछ दे नुक्ति की दियो मकोड़े होने नुक्ति दे विच ना इथा ना हो सर मकोड़े ही होने मकसद वो दुकानदार अपना इदे खेल लगा रह गया मकोड़े चढ़ गए ना उनका ख्याल ना कशा ना उन्हें साफ सफाई ना उन्हें दवाई सटे या उन्हें कितने साल थी गए तुसा ये बने दो मिठाइयां साको साल लेट साल थी गई थी बने ठीक है माशाल्लाह इतनी पीर मन गौरी दे विच बैठ पीर मन गौरी चलो लोग साफ दे रहे हर बंदा चांदा यो को जे के साफ सुथरी मिठाई गने ओ खावे फायदा भी उना होवे ते ओ मिठाइयां जरे बंदा खा ते बीमार थी वने ओते कोई नहीं गिनन चांदा साफ दे ते मैं पहले भी वीडियो छोटी बनाई है तोरी के लोग इथे औ संतोष गिन सन चलो साफ सुथरी चीज मिल सी माशाल्लाह लोग आंदे पंजाब पूरी जो बंदे आए ओ मुल्तान मेरे दोस्त ने उन्हें फोन किया उन्हें ही पठो या तोशे सानी ते वो आदमी हर जाते सब खराब मिल दो। अच्छा तुसा अगर हलवा ते बर्फी अगर आइंदा बनाओ कुछ अरसे तक वो भी बड़े सो बड़े सो माशाल्लाह ठीक हलवा भी ओ उंदी भी जरूरत है काफी ज्यादा है दाजल को ज्यादा जोर होसी ठीक है खालिस चीज ते वैसे भी हर बंदे को जरूरत है माशा वे तू भी चीजा बेचन दे रही ठीक है ए तेरा क्या लगदे एसी बेटा है इको सिखा ली पे हो वैसे जी बनावण ठीक है सर तुक मिठाइया का विजिट करवाए से मैं तुक ये आखना चाहता कि खालिस चीज़ा तुम गिदा करो खादियाँ करो हल्किया चीज़ा बिल्कुल ना गिनो क्योंकि सेहत का भी मसला है ये कुछ हम कज दौ शुक्रिया ओके अल्लाह हाफिज़।